कि कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजी म्यूजिशियम को क्या कहते हैं कस्टोडियम या फिर हम कह सकते हैं कीपर ऑफ अ म्यूजिशियम को हम क्या कहते हैं डिस्क गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एरेटर एंड एरेटर समझ में ही आ रहा है कि इट इज रिलेटेड टू एयर सो यहां पर ये यह जो होता है एरेटर मतलब एक डिवाइस होता है डिवाइस फॉर एरेशन ये डिवाइस यूज फॉर एरेशन एरेशन मतलब होता क्या है एरेशन में हम एयर को मिक्स करते हैं मिक्सिंग एयर विदर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ जब एयर को मिक्स किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरेशन ऐसा डिवाइस जो एरेशन के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं एरेटर एंड ये ऐसे आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इट इज रिलेटेड टू एयर देन सेकेंड ऑप्शन है ओरेटर एंड ओरेटर मतलब होता क्या है पब्लिक स्पीकर जो होता है उसे हम कहते हैं ओरेटर मतलब जो बहुत एलोक्वेंट होता है मतलब जो बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाता है बहुत अच्छे से स्मूथली बोल पाता है उसे हम कहते हैं ओरेटर पब्लिक स्पीकिंग में कमांड होती है उसकी देन नेक्स्ट इज क्यूरेटर इन क्यूरेटर की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और कीपर ऑफ अ म्यूजियम उसे हम कहते हैं क्योरेटर या इंचार्ज कह सकते हैं किसी म्यूजियम का उसे हम कहते हैं क्योरेटर देन नेक्स्ट इज कोरोबरेटर मतलब होता है पहले मैं आपको बताती हूं कोरोबरेट मतलब क्या होता है कोरोबोरेट मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना या किसी चीज को सपोर्ट करना ये होता है कोरोबोरेट एंड कोरोबोरेटर मतलब क्या होता है वन हु कि वो क्या करेगा वेरीफाई करेगा किसी चीज को विथ प्रूफ प्रूफ के साथ अगर वो वेरीफाई करता है किसी एविडेंस के साथ तो उसे हम कहते हैं कोरोबोरेटर सो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पर ये यह होगा क्योरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं so let's discuss sleeping rooms with several beds specially in a college or institution so yahan par dekhte hain first option hai dormitory so dormitory ka matlab hota hai bilkul yahi hota hai jo question mein pucha gaya hai ki rooms या कह सकते हैं हम हाँ large rooms कह सकते हैं large rooms specially जो किस कहाँ होते हैं स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस में होते हैं विथ सेवरल बेड्स रेस्ट करने के लिए किसी की तबीयत खराब हो जाती है कुछ हो जाता है उसे हम कहते हैं डॉर्मेट्री तो so, यही हमारा सही आंसर होगा क्योंकि नेक्स्ट इज मॉनीट्री एंड मोनिट्री मतलब क्या होता है सर्विंग एज अ की वार्निंग की तरह अगर वो हमें कोई चीज इंडिकेट करता है तो उसे हम मोनिट्री कहते हैं देन इज सिटेट्री सिटेट्री मतलब होता है एक्ट ऑफ साइटिंग साइट करना मतलब क्या होता है किसी चीज को स्पेसिफाई करना या किसी चीज को मैंशन करना यह होता है सिटेट्री मतलब एक्ट ऑफ साइटिंग को हम कहेंगे नेक्स्ट इज फ्यूमिट्री फ्यूमिट्री इट इज अ काइंड ऑफ प्लांट या हम कह सकते हैं वीड वीड मतलब एक तरीके का जो जंगली जंगली पेड़ होता है उसे हम कहते हैं वीड So, यहां पर जो सही आंसर होगा ये होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस तो देखिए यहां पर इसका आंसर क्या हो सकता है लेट्स चेक गाइस अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस तो यहाँ पर ये यह फॉरेनर होगा नहीं बिल्कुल भी नहीं एल्ट्रुइस्ट एल्ट्रुस्ट का मतलब क्या होता है जो अनसेल्फिश पर्सन होता है या बहुत चैरिटी करता है दूसरों की हेल्प करता है उसमें बिल्कुल भी सेल्फिश selfish, मतलब सेल्फिशनेस नहीं होती उसे हम कहते हैं एल्ट्रोइस्ट तो ये भी नहीं होगा ट्रांसलेटर बिल्कुल भी नहीं होगा लिंग्विस्टिक इज आर राइट आंसर लिंग्विस्टिक मतलब ऐसा पर्सन कि जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है फॉरेन लैंग्वेजेस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो सकता है ऐसा पर्सन जो स्टैंप्स कलेक्ट करता हो चेक वन हु कलेक्ट स्टैम्प जो स्टैम्प कलेक्ट करता हो फर्स्ट वन इज बबलिस्ट बबलिस्ट का मतलब होता है वन हु प्रैक्टिस बबलिज्म वन हु प्रैक्टिसेस बबलिज्म रिलेटेड टू बाइबल तो जो बाइबल की प्रैक्टिस बाइबल पढ़ता है उसमें विश्वास रखता है इस तरीके के पर्सन को हम बिबलिस्ट कहेंगे सेकेंड वर्ड है फिलैटलिस्ट तो ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा नेक्स्ट इज फिलेटलिस्ट एंड फ्लैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो क्या करता हो स्टैम्प कलेक्ट करता हो उसे हम कहते हैं फिलैटलिस्ट तो हमारा आंसर बिल्कुल यही ऑप्शन होगा नेक्स्ट इज डुएलिस्ट डूएलिस्ट मतलब क्या होता है स्टेट ऑफ बींग जो डुअल हो या डुअल पार्ट्स हो दो पार्ट्स हो इस तरीके के पर्सन इस या ड्यूअल ओपिनियन वाला कोई पर्सन हो उसे डुअलिस्ट कहेंगे तो ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा नेक्स्ट इज वोकलिस्ट और वोकैलिस्ट मतलब होता है सिंगर तो so ये भी हमारा आंसर नहीं होगा तो सही आंसर होगा फ्लैटलिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहोलिक ड्रिंक तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है सो लेट्स चेक गाइस वेजिटेरियन तो ये सभी को पता है ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता हो वेजिटेरियन तो नहीं होगा नेक्स्ट इज फोर स्टॉलर अब ये एफ ओ आर फोर मतलब प्री पहले वाला एंड स्टॉलर तो यहाँ पर ये जो होता है ये पर्सन होता है वन हु फोर फोर स्टॉल्स जो स्टॉल्स करता है अब ये फोर स्टॉल क्या होता है फोर्स मतलब होता है प्रिवेंट और ऑब्स्ट्रक्ट बाय टेकिंग एडवांस बाडवा किसी चीज को प्रिवेंट रोकना या ऑब्स्ट्रक्ट कर देना उसमें बीच में बाधा डालना बाय टेकिंग एडवांस कि पहले से ही कोई एक्शन लेके किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना रोक देना ऑबस्ट्रक कर देना वो होता है फोर स्टॉलर नेक्स्ट वन इज टी टोटलर टी टोटलर मतलब होता है हु नेवर ड्रिंक्स जो कभी भी ड्रिंक नहीं करता तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ भी हमें वही पर्सन बताना है जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा टी टोटलर नेक्स्ट इज सेंट सेंट तो बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली जिसे इजीली कैरी किया जा सकता है सो समथिंग डैट कैन बी कैरीड ईजिली फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिलेटेबल एंड रिलेटेबल मतलब क्या होता है जिसे हम रिलेट कर पाए एबल टू बी रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड इज कार्टेबल एंड कार्टेबल मतलब क्या होता है जिसे हम कार्ट कर सकते हैं जिसे हम कैरी कर सकते हैं सो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये होगा एबल टू बी कार्टेड या तो होगा और carried, कि जिसे हम कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट इज पोर्टेबल एंड पोर्टेबल मतलब होता है सेफ टू ड्रिंक है ना दिस वाटर इज पोर्टेबल मतलब ड्रिंक मतलब पीने के लिए बिल्कुल कैसा है सेफ है जिसे हम कह सकते हैं इट इज ड्रिंकेबल कि पीने लायक पीने योग्य सो so ये जो आंसर होगा ये तो नहीं होगा पोर्टेबल देन नेक्स्ट इज पोर्टेबल एंड पोर्टेबल मतलब होता है मूवेबल या ट्रांसपोर्टेबल या जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेबल भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इजीली कैरी कर सकते हैं हम लोग इसे कैन बी इजीली कैरीड तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज पोर्टेबल ओके okay. जैसे मोबाइल पोर्टेबल होता है लैपटॉप पोर्टेबल होता है तो इस तरीके से ऐसे डिवाइस ऐसी चीजें जो हम इजीली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसे हम कहते हैं पोर्टेबल तो यहाँ पर ये यह आर है इट इज पोर्टेबल एंड इट इज ओनली पोर्टेबल पी ओ टी ए बी एल पोर्टेबल मतलब वाटर के लिए यूज किया जाता है कि ऐसा वाटर जो हम पी सकते हैं जो हमें कुछ हार्म नहीं करेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज द गवर्नमेंट वेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है ウミん सो लेट स्टार्ट द गवर्मेंट टू विंग रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल सो यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन इज जुडिशियरी तो ये जितनी भी जुडिशियल अथॉरिटीज होती है है ना हम कह सकते हैं जुडिशियल अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री उसे हम कहते हैं जुडिशियरी या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ जो जजेस होते हैं सारे कंट्री के उन्हें हम जुडिशियरी कहते हैं जो मेन डिसीजन लेते हैं सो so, यहाँ पर यहां बोला है कि गवर्नमेंट बींग रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स जजमेंट की बात नहीं की जा रही रूल तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा सेकेंड इज लेजिस्लेचर सो लेजिस्लेचर मतलब कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल या उसमें जो लोग होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं टू मेक लॉज टू मेक लॉज मतलब लॉज बनाने के लिए फॉर अ स्टेबल कंट्री की कंट्री जो है वो स्टेबल रहे स्टेबिलिटी मेंटेन रहे उसके लिए जो एक ग्रुप ऑफ पीपल की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो जो भी जितने भी लोग इलेक्टेड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज बनाने के लिए कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए तो ये बिल्कुल हो जाएगा रूल्स मतलब ही लॉज होते हैं सो ये हमारा आंसर बिल्कुल हो सकता है नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट होता है मैनेजेरियल uh, जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट या एग्जीक्यूटिव जो भी सेक्शन होता है वहां पर या मैनेजेरियल जो मैनेज करने के लिए रखा जाता है तो ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा एंड कोड भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रूल्स बनाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा सही आंसर लेजिसलेचर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन तो देखिए यहाँ पर क्या सही आंसर हो सकता है तो यहाँ पर फर्स्ट है अ प्लेस फेर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए डेड बॉडीज़ को रखा जाता है हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं होगा देन अगर बॉ मॉग की बात करें तो यस yes, यही बिल्कुल सही आंसर होगा कि मॉर्ग ऐसी कोई बिल्डिंग होती है या तो ये ऐसी कोई बिल्डिंग होती है या तो कोई ये रूम होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए देन नेक्स्ट इज डिस्पेंसरी एंड डिस्पेंसरी मतलब क्या होता है जहाँ मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है मेडिसिन क्या है प्रिपेयर की जाती है या कह सकते हैं कि प्रोवाइड भी की जाती है जहां पर प्रिपेयर होके मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है उसे हम डिस्पेंसरी कहते हैं सो so, ये आंसर भी नहीं होगा क्लिनिक तो बिल्कुल नहीं तो so, सही आंसर होगा यहाँ पर मॉक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस चेक करते हैं गाइस फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस कन्फाइंड मतलब क्या होता है छोटी uh, प्लेसेस या जगह जो जो होती है उससे डर so यहां पर फर्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड यस हमारा जो सही आंसर है ये बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिया ही होगा क्योंकि इसी का मतलब होता है फियर ऑफ बिंग कन्फाइंड फियर ऑफ बिंग कन्फाइंड इन स्मॉल प्लेसेस नेक्स्ट इज पैकोफोबिया बिल्कुल नहीं होगा एल्टो एंड एक्रोफोबिया भी बिल्कुल नहीं क्योंकि ये दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है इसका मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रोफोबिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस की जो मेनी लैंग्वेजेस बोल पाता हो उसे हम क्या कहेंगे सो so, ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल पाता हो फर्स्ट इज़ पॉलीग्लॉट यस पॉली मतलब मैनी एंड ग्लॉट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज सो सही आंसर जो होगा वो होगा पॉलीग्लॉट कि जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल पाता हो सेकेंड जो है इट इज लिंग्विस्टिक एंड अभी हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नहीं शायद थर्ड क्वेश्चन में देखा था लिंग्विस्टिक वर्ड आया था एंड लिंग्विस्टिक मतलब होता है पर्सन स्किल्ड इन फॉरन लैंग्वेज पर्सन स्किल्ड इन फॉरन लैंग्वेज को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा दैन नेक्स्ट इज इंट्रोवर्ड एंड इंट्रोवर्ड मतलब होता क्या है ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है ऐसा इंसान जो बहुत शाय टाइप का होता है शर्मिला सा होता है शांत रहने वाला या वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अलोन रहना अच्छा लगता हो उसे हम कहते हैं एंट्रोवर्ट तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा नेक्स्ट वर्ड इज़ सोशियोपैथ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड सोशियोपैथ मतलब होता है ऐसा पर्सन जो एंटी सोशल हो अब सोशल होना मतलब क्या होता है आई एम सोशल एनिमल मतलब मुझे लोगों से मिलना लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी मतलब ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसी ऐ, ऐसा पर्सन जिसे आ, मतलब बहुत वो लोगों से बहुत डेंजरसली बिहेव करता है लोगों के प्रति बहुत वायलेंट एटीट्यूड रखता है उसे हम कहते हैं सोशियोपैथ एक एंटी सोशल एक एंटी सोशल डिसऑर्डर भी होता है उस पर्सन को उसे भी हम कहते हैं सोशियोपैथ या हम यह कह सकते हैं बिहेव इन अ डेंजरस और वायलेंट वे टूवर्ड्स अदर पीपल कि दूसरों के प्रति उसका एकदम वायलेंट बिहेवियर होता है बहुत डेंजरस बिहेवियर होता है दूसरों को वो नुकसान पहुंचाता है या दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुद का फायदा सोचता है ऐसे पर्सन को हम कहते हैं सोशियोपैथ तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा तो हमारा जो सही आंसर है वो है पॉलीग्लॉट मतलब वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोसेस फॉर ब्लड प्योरिफिकेशन वेन किडनी देखिए जब किडनी सही से फंक्शन नहीं करती तब ब्लड फ्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस किया जाता है उसे क्या कहते हैं एंड आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों का आ चुका होगा डायलाइसिस इज दी सही आंसर डायलिंग बिल्कुल नहीं देन डलिश डलिश मतलब ही होता है डलिशियस तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा एंड डालिशियस भी बिल्कुल नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ वेरी पुअर पर्सन तो देखिए यहां पर क्या आंसर हो सकता है सकता है होता सो लेट्स चेक गाइस अ वेरी पुअर पर्सन एक गरीब इंसान को क्या कहेंगे फर्स्ट इज मर्सनरी सो यहाँ पर जो होता है ये इंसान ऐसा इंसान जो मनी ओरिएंटेड होता है जिसे हमेशा पैसा कमाना होता है भले ही दूसरे का नुकसान क्यों ना हो लेकिन इसे अपना फायदा मतलब अपना पैसा कमाना होता है उसे हम कहते हैं मर्सनरी मरी मनी द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स मतलब एथिक्स या मॉरल वैल्यूज मॉरल वैल्यूज़ को वो ध्यान में ना रखते हुए भी पैसा कमाने की सोचता है मतलब गलत तरीके से जो पैसा कमाते हैं उसे हम कहते हैं मर्सनरी देन नेक्स्ट इज पैसिमिस्ट एंड पैसिमिस्ट मतलब होता क्या है जो नेगेटिव इंसान होता है जो हमेशा किसी भी चीज़ के डार्क साइड को देखता है उसे हम कहते हैं पैसेमिस्ट तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा हमारा आंसर एंड ए भी नहीं होगा देन नेक्स्ट इज पेडेंट एंड पेडेंट मतलब होता है जो परफेक्शनिस्ट होता है जो बिल्कुल परफेक्शन से काम करे जो बहुत प्योर तरीके से काम करे प्योरिस्ट होता है उसे पेडेंट कहते हैं ये भी हमारा आंसर नहीं होगा मतलब कि हमारा आंसर डी ही है ऑब्वियसली एंड जिसका मतलब होता है अ वेरी पुअर पर्सन या हम कह सकते हैं इसे हम बेगर या इसे हम कह सकते हैं बैंक सॉरी Bankrupt, मतलब जो पूरा कंगाल हो चुका हो जो भिकारी हो जो गरीब इंसान हो उसे हम कहते हैं पॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेट्स डिस्कस वन हु कंज्यूम एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड अभी मैंने बताया था इसका जो आंसर होगा वो टी टोटलर होगा वहां पर था कि कोई भी जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेता इंटॉक्सिकेटिंग उसे टी टोटलर कहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने दूसरे फॉर्म में अभी डिस्कस किया था सैडिस जो होता है सैडिस क्या होता है अ पर्सन हु अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर

बिना बताए बिना परमिशन के जो एबसेंट हो जाता है उसे हम ट्रॉन कहते हैं तो ये भी नहीं होगा एंड वॉलेंटियर मतलब सभी को पता है जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें हम वॉलेंटियर्स कहते हैं so हमारा आंसर होगा टी टोटलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते है no so यहाँ अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा नहीं होता अपना कर्ज चुकाने के लिए एफ्लुएंट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एफ्लुएंट तो मतलब होता है वेल्दी या बहुत ज़्यादा अमीर इंसान जो होता है उसे एफ्लुएंट कहते हैं पॉपर बिल्कुल सही होता है पॉपर मतलब बहुत ज़्यादा पुअर गरीब या अभी मैंने बताया था बैंक करप्ट बैंक करप्ट मतलब जो कंगाल हो चुका होगा तो वही पर्सन अपना डेप्थ पे नहीं कर पाता है तो बिल्कुल ये सही हमारा आंसर है रिच बिल्कुल नहीं एंड वेल्दी तो बिल्कुल नहीं आई होप क्लियर हो रहा है एंड बहुत सारे नए नए वर्ड्स आप सीख रहे हो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हजब तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है so let's check a practice of having more than one husband first is polygyny poly, poly matlab many and gyne gyne matlab hota uh, hai it is related to female so yahan par one husband ki baat ki ja rahi hai and polygyny uh, matlab kya ho jayega a practice of having more than one wife अगर more than एक से ज्यादा wife होती है उस practice को हम कहते हैं पॉली गायने क्योंकि पॉली मतलब मैनी एंड गायने मतलब फीमेल So, यहाँ पर वाइफ से रिलेटेड है ये बिल्कुल नहीं होगा पॉली एंड्री पॉली मतलब हजबेंड सो so, यहां, uh, so, यहां पर होता है कि मोर देन वन या प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड ये होता है पॉली एंड्री सो ये बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट इज पॉलीगैमी पॉली मतलब मैनी मतलब मैरिजेस तो यहाँ पर क्या होगा एक से ज्यादा मैरिज जब होती है उसे हम कहते हैं पॉलीगैमी कह सकते हैं मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड इसे हम कहेंगे पॉलीगैमी सो so, ये बिल्कुल नहीं होगा एंड नेक्स्ट इज पॉलीट्रॉफी ट्रॉफी सो पॉली भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है पॉली मतलब मेनी एंड ट्रॉफी ट्रॉफी इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस या डिफरेंट फूड स्पेशीज पे जो रिलाय करता है डिपेंड करता है उसे कहेंगे तो so यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पॉली एंड्री So thank you very much, guys. Do like, share, and subscribe my videos. Thank you very much.